Well, hello friends, this is your very own channel Tutelage Media, where today we welcome you all to a very new segment Weekly Tales, जहां हम चर्चा करेंगे इस हफ्ते में हुई कुछ न्यूज के बारे में कि किसने किसको ट्विटर पर ट्रोल किया और किसको कौन सा अवार्ड मिला. So let's get started. तो करना परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से. So let's start with our first segment. 8 नवंबर को इंडियन प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद द्वारा 119 पर्सनालिटीज को पद्मा अवार्ड के साथ सम्मानित किया गया. ये अवार्ड्स अलग अलग कैटेगरीज जैसे कि डिसिप्लिन, आर्ट, सोशल वर्क, पब्लिक अफेयर्स और सिविलियंस को दिए गए. इस अवार्ड फंक्शन की सबसे खास बात ये रही कि इन अवार्ड से ग्राउंड लेवल पर काम कर रहे वर्कर्स को भी नवाजा गया. गवर्नमेंट के इस फैसले से लोग काफी खुश हैं. पहली बार ऐसा हुआ है कि ग्राउंड लेवल पर काम कर रहे लोगों को सम्मानित किया गया जो कि एक्चुअल में ये डिजर्व करते हैं. करण जौहर, कंगना रनौत और एकता कपूर भी इस अवार्ड फंक्शन में शामिल थे और उन्हें भी इस अवार्ड के साथ सम्मानित किया गया. लेकिन इसी बात पर लोगों का ये सवाल है कि सोनू सूद को क्यों ये अवार्ड नहीं दिया गया. इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको. हिमाचल प्रदेश मंडी पार्लियामेंट में हुए चुनावों में बीजेपी एक भी सीट जीतने में असफल रही. हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बढ़ती महंगाई को बीजेपी की हार का कारण बताया. गजब बेइज्जती है. यूपी में चुनाव का माहौल है, सभी पार्टीज अपनी अपनी तैयारी में लगी है. लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि परफ्यूम से वोट लाए जा सकते हैं? नहीं. अरे संजू भैया, इंडिया है ये, यहाँ सब पॉसिबल है. समाजवादी पार्टी ने अपना परफ्यूम लॉन्च किया है, समाजवादी पार्टी परफ्यूम. नहीं मतलब ये क्या लॉजिक है, परफ्यूम से वोट? ओ अच्छा, ताकि परफ्यूम की खुशबू से पता चल सके कि किसने वोट किया और किसने नहीं. आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए. ये सही तरीका, फिर ईडीएम की तो जरूरत ही नहीं फिर रिजल्ट के लिए. वाह. जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए. इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते. अब बढ़ते हैं हमारी दूसरी सेगमेंट की तरफ. दिल्ली यूनिवर्सिटी में अंडर ग्रेजुएशन की क्लासेस नवंबर 22 और पोस्ट ग्रेजुएशन की क्लासेस दिसंबर 1 से स्टार्ट होने जा रही हैं। अरे पढ़ाई कर लो थोड़ा। एयर क्वालिटी इंडेक्स ने टॉप 10 पोल्यूटेड सिटीज की लिस्ट जारी की है. एंड गेस व्हाट, इसमें इंडिया की 3 मेजर सिटीज हैं एंड टॉप फिर से देश की कैपिटल दिल्ली ने ही किया है. इस लिस्ट में 4th पोजीशन पर कोलकाता और 6th पोजीशन पर मुंबई है. अब टॉप 10 की बात हो रही हो और हमारे पड़ोसी पीछे रह जाएं? कभी भी नहीं. इसी लिस्ट में 2nd पोजीशन पर लाहौर है. वैसे एक बात तो है, इंडिया हमेशा पाकिस्तान को अपने पीछे ही रखता है. नाना मैं क्रिकेट की बात नहीं कर रही. Well, here is the list of top 10 polluted cities in the world. पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए दूसरे सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हराकर T20 वर्ल्ड कप फाइनल्स में एंट्री ले ली है. वैसे एक बात तो है, इस मैच में आई हुई सभी ऑडियंस का एंटरटेनमेंट डोज फुल रहा, लेकिन मैथ्यू वेड और मार्कस स्टोइनिस की पार्टनरशिप ने एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी. इस मैच का टर्निंग पॉइंट मैथ्यू वेड के कैच को बताया जा रहा है जो हसन अली ने शाहीन अफरीदी की बॉल पर ड्रॉप किया था. लोग लगातार उन्हें इसी बात पर ट्विटर पर ट्रोल कर रहे हैं. देखते हैं पाकिस्तान की हार के बाद दर्शकों का क्या कहना है. आई अंडरस्टैंड दैट यू ऑल आर हाई ऑन इमोशंस एंड इन शॉक, आई एम टू. लेकिन आपको कोई हक नहीं है कि आप हसन अली को या किसी भी प्लेयर की फैमिलीज को अब्यूज करें, पर्सनली अटैक करें. दिस इज टोटली अगेंस्ट बेसिक एथिक्स, बिलो द बेल्ट. आपने क्रिटिसाइज करना है, आप कंस्ट्रक्टिवली क्रिटिसाइज करें, आपका हक है, मैंने भी किया. लेकिन लाइन क्रॉस करना और किसी को सोशल मीडिया पे गालियां देना, दिस इज नॉट राइट. तो मेरी रिक्वेस्ट है उन लोगों से जो भी ये कर रहे हैं कि आप अपने इस इमोशनल रोलर कोस्टर राइड में जो आप हैं, इससे बाहर आएं और लर्न टू रिस्पेक्ट पीपल. आपने क्रिटिसाइज करना है, आप रिस्पेक्ट के दायरे में रह के करें, प्लीज. थैंक यू. इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच होने वाली टेस्ट सीरीज में विराट कोहली को फर्स्ट टेस्ट के लिए रेस्ट दी गई है और टीम के वाइस कैप्टन अजिंक्य रहाणे फर्स्ट टेस्ट में टीम की कमांड संभालेंगे. वेल, अभी थोड़ी देर में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का फाइनल मुकाबला होने जा रहा है. अभी मजा आएगा ना भिड़ो है और दोनों टीम्स के फैंस ये जानने के लिए बहुत एक्साइटेड है कि आखिर कौन ट्रॉफी अपने घर लेकर जाने वाला है.
आप हमें नीचे कमेंट करके बताइए कि आपके हिसाब से आज कौन बाजी मार के वर्ल्ड चैंपियन बनने वाला है। अब बढ़ते हैं हमारे लास्ट सेगमेंट की तरफ। इस हफ्ते रिलीज हुई मूवी जय भीम लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है। जय भीम द शशांक रिडेम्पशन को हराकर सबसे अधिक रेटिंग्स वाली IMDb फिल्म बन चुकी है। जय भीम को 10 में से 9.6 की रेटिंग्स मिली है। ये मूवी मद्रास हाईकोर्ट से जज रही जस्टिस चंद्रा के केस पर आधारित है, जिसमें उन्होंने कुरवा जनजाति के ऊपर हो रहे उत्पीड़न के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की थी। आई मीन हैट्स ऑफ टू द साउथ इंडियन सिनेमा, दे हैव डन अ फैबुलस जॉब अगेन। आप हमें नीचे कमेंट करके बताइए कि आप में से किस किस ने ये मूवी अभी तक देख ली है। मजा आया। और वहीं दूसरी ओर अक्षय कुमार और कैटरीना कैफ स्टारर मूवी सूर्यवंशी ने अपने 7th डे पर 174.65 करोड़ की कमाई की है और जल्द ही ये मूवी 200 करोड़ के क्लब में शामिल होने वाली है। पैसा ही पैसा होगा। ये थी इस हफ्ते की कुछ न्यूज। आई होप इट वॉज इन्फॉर्मेशनल। नीचे कॉमेंट करके बताइए कि आपको इन चारों सेगमेंट्स में से सबसे अच्छा सेगमेंट कौन सा लगा। तो मिलते हैं वीकली टेल्स के नए एपिसोड में कुछ और मजेदार खबरों के साथ। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और हमारी दूसरी वीडियोज को भी सपोर्ट करें। और हाँ, सभी बच्चों को आज मेरी तरफ से अ वेरी हैप्पी चिल्ड्रंस डे। थैंक यू।